दोस्तों नमस्कार, पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फ्री रेंज मुर्गी पालन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फीड का दाम बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में अगर आप कम से कम लागत में मुर्गी पालन नहीं करेंगे तो आप मुर्गी पालन में प्रॉफिट कमाने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। लेकिन समस्या ये आती है कि जो पोल्ट्री फार्मर भाई फ्री रेंज में मुर्गी पालन करना चाहते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि अगर हमें फ्री रेंज में मुर्गी पालन करनी है तो कौन सी ब्रीड का चुनाव करना चाहिए। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपको फ्री रेंज में मुर्गी पालन करना है तो वो कौन सी 5 ब्रीड हैं जिनका पालन आप फ्री रेंज में करके बहुत ही कम लागत लगा के और कम समय में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि मुर्गी पालन से संबंधित जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल तक इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों अगर आपने मन बना लिया है कि आपको फ्री रेंज में मुर्गी पालन करना है, तो आपके पास पहला ऑप्शन आता है ग्राम प्रिया मुर्गी का। दोस्तों ग्राम प्रिया देसी मुर्गी की एक बहुत ही बेहतरीन किस्म है, जिसका पालन आप डुअल पर्पज यानी अंडे उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं और मांस उत्पादन दोनों के लिए कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप फ्री रेंज में मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो ग्राम प्रिया आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि ये प्योर देसी ब्रीड है और इसका पालन आप घर का बचा हुआ जो फीड होता है उसको दे के कर सकते हैं। और अगर आप इसका पालन फ्री रेंज में करते हैं तो ये घर के आसपास जो गोबर होते हैं उनमें से बचे खुचे अनाज को ये खा जाती है। घर के आसपास जो हरी घास होती है, हरे चारे होते हैं, कीड़े मकोड़े पतंगे, उन सब को खा के ये आसानी से अपना वजन बढ़ाती है। इसके रंग की अगर बात करें तो ये मल्टीपल कलर में पाई जाती है। और अगर इसको आप पोल्ट्री के अंदर पालेंगे, फ्री रेंज में इसका पालन नहीं करेंगे, तो इसको 1 केजी में 85 से 90 दिनों का समय लगता है और उस दौरान ये 3 केजी से लेके 3.5 केजी तक फीड खाती है। और अगर आप इसका पालन फ्री रेंज में करते हैं तो आप शुरू में इसको स्टार्टर पे 20 से 25 दिनों तक पाल सकते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे 45 से 50% तक हरा चारा, घर के बचे हुए भोजन आदि पे भी इसका पालन आप कर सकते हैं। दोस्तों ग्राम प्रिया ब्रीड की मुर्गियों का पालन अगर आप अंडे उत्पादन के लिए करना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ब्रीड की मुर्गियां लगभग 150 दिनों के बाद अंडों पे आ जाती हैं। दोस्तों ग्राम प्रिया मुर्गियां जब अंडे देने शुरू करती हैं तो इनके शरीर का औसत वजन 1400 ग्राम तक हो जाता है, और ग्राम प्रिया ब्रीड की मुर्गियाँ 1 साल में लगभग 190 से 230 अंडे तक देती हैं। लेकिन अगर इनकी मुर्गियों का पालन आप अंडे उत्पादन के लिए करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि इनको अंडे देने के पहले आपको लेयर फीड चलाना होगा। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब ग्राम प्रिया मुर्गियाँ 165 से 170 दिनों के बीच में होती हैं तब इनका अंडा उत्पादन पीक पे होता है। दोस्तों इनके अंडों के अगर वजन की बात करें तो इनके एक अंडे का वजन 45 ग्राम से लेके 50 ग्राम के बीच में होता है। दोस्तों अब बात करेंगे एक ऐसे चिकन ब्रीड की जिसका पालन पिछले 10-15 सालों में हमारे देश में बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप इसका पालन अंडे के लिए करते हैं या मीट पर्पज के लिए करते हैं, दोनों में आपको बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा होगा। तो चलिए जानते हैं इस ब्रीड के बारे में। तो दोस्तों इस ब्रीड का नाम है सोनाली, जो कि देसी मुर्गी की एक क्रॉस ब्रीड है। दोस्तों अगर आप सोनाली मुर्गी का फ्री रेंज में पालन करते हैं तो चाहे आप इसका पालन अंडे उत्पादन के लिए करें या मीट उत्पादन के लिए, सोनाली मुर्गी से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इसके कलर की तो ये भी मल्टीपल कलर में पाई जाती है, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रही है। दोस्तों सोनाली मुर्गी को अगर आप फ्री रेंज में ना पाल के फार्म के अंदर पालेंगे तो इसको 1 केजी होने में 82 से 85 दिनों का समय लगता है, और उस दौरान ये 3 केजी से लेके 3.5 केजी तक फीड खा सकती है। और बात करें फ्री रेंज में इसके पालन की तो आपको सिर्फ 1.5 से 2 केजी इसको फीड खिलाना होगा, और आप चाहें तो 50 से 55% तक आप इसको फ्री रेंज में जो चारा खिलाया जाता है देसी चारा, जैसे कि बरसीम हो गया, नेपियर हो गया, घर का बचा हुआ खाना हो गया, इन सब को भी आप खिला के
इसका पालन फ्रीज में कर सकते हैं। खास बात यह है कि कुछ लोग इसको पका हुआ चावल खिला के भी इसका पालन कर रहे हैं और फीड पे होने वाली लागत को बहुत ही कम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसका पालन फ्री रेंज में करते हैं और आप 45 से 50% तक इसको बाहर का फीड देते हैं तो इसको 1 kg होने में लगभग 100 से 110 दिन तक लग सकते हैं, लेकिन आपकी लागत बहुत ही कम आएगी। बात करें इसकी अन्य विशेषताओं की तो ये ब्रीड जल्दी बीमार नहीं पड़ती और इसमें वो सभी गुण पाए जाते हैं जो कि देसी मुर्गे में होते हैं। दोस्तों, अगर आप सोनाली मुर्गियों का पालन अंडे उत्पादन के लिए करना चाहते हैं तो आपको इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखने को मिलेगा, क्योंकि सोनाली मुर्गी के अंडों की मार्केट में अभी अच्छी खासी डिमांड है और होलसेल में इसके अंडों का दाम 10 रुपये और कभी कभी आपको 11 रुपये भी मिल सकते हैं, और खुदरा में अगर आप इसको स्टॉल लगा के बेचेंगे तो सोनाली मुर्गी के अंडे को आप 12 से 15 रुपये में भी बेच सकते हैं। दोस्तों, सोनाली ब्रीड की मुर्गियाँ लगभग 145 से 150 दिनों के बाद अंडे देना शुरू कर देती हैं, और जब ये अंडे देती हैं तो इनका शरीर पूरी तरह से विकसित हो जाता है और उस समय सोनाली मुर्गियों के औसत शरीर का वजन 1300 ग्राम तक होता है। दोस्तों, जब सोनाली मुर्गियाँ 150 से 180 दिनों के बीच में होती हैं उस दौरान ये सबसे ज़्यादा अंडे का प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन यहाँ भी आपसे मैं वही बात करूँगा, अगर सोनाली मुर्गियों का पालन आप अंडे उत्पादन के लिए करेंगे तो आपको इनको लेयर फीड ही खिलाना पड़ेगा। और इसके अंडे के वजन की अगर बात करें तो सोनाली मुर्गी के एक अंडे का वजन 40 ग्राम से लेके 45 ग्राम तक होता है और इसके अंडे का कलर बिल्कुल देसी मुर्गी की कलर की तरह होता है, ब्राउन कलर का। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के ब्रीड की। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हमने रखा है कावेरी चिकन ब्रीड की, जिसका पालन आप अंडे उत्पादन और मीट परपज दोनों के लिए कर सकते हैं, और अगर आप इसका पालन फ्री रेंज में करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, कावेरी ब्रीड के मुर्गे को 1 kg होने में लगभग 90 दिनों का समय लगता है और 90 दिनों तक इसको 3.5 kg फीड की ज़रूरत होती है, और फ्री रेंज में अगर आप इसका पालन करते हैं तो इसको 1 kg होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये ऐसी ब्रीड है कि इसका पालन अगर आप फ्री रेंज में ही करेंगे तभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप कावेरी ब्रीड की मुर्गियों का पालन अंडे उत्पादन के लिए करना चाहते हैं तो इस ब्रीड की मुर्गियाँ 170 से 75 दिनों के बाद अंडे देना शुरू कर देती हैं। कावेरी ब्रीड की मुर्गियाँ जब अंडे देना शुरू करती हैं तो इनके शरीर का औसत वजन लगभग 1400 ग्राम तक देखा गया है। दोस्तों, कावेरी ब्रीड की मुर्गियाँ 1 साल में लगभग 150 से 170 अंडे तक दे सकती हैं और इनके भी अंडों का कलर देसी मुर्गियों के अंडों की तरह लाइट ब्राउन कलर का होता है। और बात करें इनके अंडों के वजन का तो इनके अंडों का वजन लगभग 50 ग्राम से लेके 55 ग्राम तक होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नंबर के चिकन ब्रीड की, जिसका पालन आप फ्री रेंज में कम से कम लागत में कर सकते हैं। दोस्तों, चिकन की ये ब्रीड है वनराजा, जिसका पालन आप फ्री रेंज में बहुत ही कम लागत में कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्रीड को स्पेशल फ्री रेंज के लिए ही विकसित किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि वनराजा को कितने केजी फीड की ज़रूरत होती है 1 kg तक वेट गेन करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस ब्रीड को स्पेशल फ्री रेंज में पालन के लिए ही विकसित किया गया है, तो अगर आप इसका पालन फ्री रेंज में करेंगे तो आपको अधिक फायदा होगा, और अगर आप इसका पालन पोल्ट्री फार्म के अंदर करेंगे तो इस ब्रीड के मुर्गे को 1 kg होने के लिए लगभग 75 से 80 दिनों का समय लगता है, और 1 kg होने के लिए इस ब्रीड को सिर्फ 3 kg फीड की ज़रूरत होती है। दोस्तों, वनराजा ब्रीड का पालन आप अंडे और मांस दोनों परपज के लिए कर सकते हैं। इस ब्रीड की मुर्गियां लगभग 160 से 170 दिनों के बाद अंडे देना शुरू कर देती हैं, और जब वनराजा ब्रीड की मुर्गियां अंडे देना शुरू करती हैं तो उनके शरीर का औसत वजन 1300 ग्राम तक होता है। दोस्तों, अगर आप इस ब्रीड का पालन अंडे उत्पादन के लिए करना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, वनराजा ब्रीड की मुर्गियां 1 साल में लगभग 130 से 150 अंडे तक देती हैं, और जब ये मुर्गियां 190 से 200 दिनों की होती हैं उस दौरान ये सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन करती हैं। तो दोस्तों, ये थी 4 ब्रीड जिनका पालन आप फ्री रेंज में, अगर आपके पास बजट कम है, आपके पास संसाधन हैं, आप हरा चारा इनको दे सकते हैं,
आपके आसपास कोई होटल है जहाँ पे आप बचा हुआ खाना इनको दे सकते हैं, तो आप इनमें से किसी एक का चुनाव करना चाहिए। और अब हम आपको एक पांचवें ब्रीड के बारे में बताएंगे, जिसका पालन अगर आप करते हैं तो आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि इसका मार्केट पूरे भारत में एक समान नहीं है। कहीं पे इसका दाम 300 रुपया पर केजी आपको मिलेगा, कहीं पे 500, कहीं पे 700। तो इसलिए हमने इसको नंबर 5 पे रखा है। और अगर इसका दाम एक समान होता तो शायद ये दुनिया का नंबर 1 चिकन ब्रीड बन सकता था। ये ब्रीड है कड़कनाथ। कड़कनाथ के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा और सुना होगा। चिकन की आप समझें तो ये प्रीमियम ब्रीड है, और अगर आपने इसकी सही से मार्केटिंग कर ली तो आप इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके साथ दिक्कत ये है कि अगर आप इसे खरीदने जाएंगे किसी कटर के पास तो आपको 600 रुपया केजी, 800 रुपया केजी खरीदने के लिए बोलेंगे। लेकिन अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं और आपके एरिया में इसकी डिमांड नहीं है तो आपको 350 रुपया पर केजी भी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप इसका अगर पालन फ्री रेंज में करते हैं और कम से कम लागत में इसको आप तैयार कर लेते हैं, अगर आपको 300 रुपया पर केजी भी मिलता है तो भी आप इसका पालन करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि इसका पालन आप चाहे अंडे उत्पादन के लिए करें, आप चाहे मीट उत्पादन के लिए करें, अगर आपने सही से इसकी मार्केटिंग कर ली तो आप इसका पालन करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, कड़कनाथ एक जंगली चिकन ब्रीड है जिसको कि खाने लायक कुछ भी चीज़ अगर आप खिलाते हैं तो ये आराम से बड़े चाव से खा लेता है। तो शुरू में अगर आप चाहें तो इसको 20 से 25 दिन तक प्री स्टार्टर दें, उसके बाद जो भी खाने लायक चीज़ मिले जैसे कि मंडी की सड़ी हुई सब्जियां, टमाटर, सड़े हुए अमरूद, सड़े हुए आलू, कुछ भी जो आसानी से मिल जाए जैसे कि हरे मटर के छिलके, बरसीम हो गया, नेपियर ग्रास हो गया, सस्ते से सस्ते में आप इसका पालन कीजिए और अच्छा से अच्छा मुनाफा कमाइए। और अगर आप इसका पालन पोल्ट्री फीड खिला के करेंगे तो कम से कम 3.5 केजी और कभी कभी तो लोग इसको 4 केजी, 4.5 केजी भी फीड खिला देते हैं 1 किलो होने के लिए, तो उस कंडीशन में आपका घर से भी चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसका पालन फ्री रेंज में करेंगे तो आप आराम से इसको एक मुर्गे के पीछे कम से कम 200 रुपया तक, 150 रुपया तक आराम से बचा सकते हैं अगर आप इसको कम से कम फीड खिलाएंगे तो। और अगर इसका पालन आप अंडे उत्पादन के लिए करना चाहते हैं तो कड़कनाथ ब्रीड की मुर्गियां 170 से 180 दिनों के बाद अंडे देना शुरू करती हैं। और जब कड़कनाथ ब्रीड की मुर्गियां अंडे देना शुरू करती हैं तो इनके शरीर का औसत वजन लगभग 1300 ग्राम तक होता है। और जब कड़कनाथ ब्रीड की मुर्गियां 200 से 210 दिनों तक होती हैं तब इनका अंडा उत्पादन पीक पे होता है। दोस्तों, कड़कनाथ ब्रीड की मुर्गियां लगभग 150 से 155 अंडे तक देती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने इसका सही से मार्केटिंग कर लिया तो इनके अंडों की मार्केट में बहुत ही अच्छी डिमांड है और लोग एडवांस बुकिंग करके कड़कनाथ के अंडे लेते हैं। तो इसका एक अंडे का दाम कहीं कहीं आपको 18 से 20 रुपए तक भी दिला सकता है। कड़कनाथ मुर्गियों के अंडों के वजन की बात करें तो इनके अंडों का वजन 40 से 45 ग्राम का होता है और इनके अंडों का रंग क्रीम कलर का होता है। दोस्तों, ये 5 ब्रीड हैं जिनका पालन अगर आप फ्री रेंज में करते हैं तो आपको इन्हीं में से एक का चुनाव करना चाहिए और आपको लागत बहुत ही कम लगानी पड़ेगी। सिर्फ आप इनको फ्री रेंज में घुमाने के लिए जाल, नेट आदि की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हरा चारा आदि की व्यवस्था करनी पड़ेगी और कम लागत लगा के आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी से भरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।